Hello students, so we are again with you with a new topic, that is AC circuit contains resistance only. ठीक है, ये टोटल हमारे 7 टोटल हमारे 7 बनेंगे ये केस. मतलब हम क्या करने वाले हैं, हम जो हमारा AC सर्किट है उसको कनेक्ट करेंगे एक बार रेजिस्टेंस के साथ, कैपेसिटर के साथ और इंडक्टर के साथ. पहले उनको अकेले अकेले कनेक्ट करेंगे, आफ्टर दैट हम उनको ग्रुप में कनेक्ट करेंगे, जैसे रेजिस्टेंस कैपेसिटर. ठीक है, कैपेसिटर इंडक्टर रेजिस्टेंस कैपेसिटर, और फिर हम क्या करेंगे, तीनों को इकट्ठा कनेक्ट करेंगे. समझ रहे हो आप मेरी बात को? ठीक है, तो इस तरह से मेरा टोटल 7 केसेस बनेंगे. और प्लस में हम क्या बनाएंगे, इनका फेजर डायग्राम भी बनाएंगे. तो मैं इसमें आपको फेजर डायग्राम का कंसेप्ट भी बताऊँगी कि फेजर डायग्राम क्या होता है, हम कैसे बनाएंगे. ठीक है, तो सो दिस इज़ पार्ट 7 चैप्टर 7 अल्टरनेटिंग करंट क्लास 12th फिजिक्स. सो लेट स्टार्ट स्टूडेंट विद अवर टॉपिक. सो स्टूडेंट्स, हियर वी आर डिस्कसिंग AC सर्किट कंटेनिंग रेजिस्टेंस ओनली. ठीक है, सो देखिए बेटा, इसमें हम क्या करने वाले हैं, हम क्या करेंगे, काफ़ी इजी हैं हमारे ये. आपको एक बार कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा तो बड़ा इजीली समझ आ जाएगा. ठीक है, हमने क्या करा, एक अल्टरनेटिंग EMF का सोर्स माना. ठीक है, लेट ए सोर्स ऑफ अल्टरनेटिंग EMF. ठीक है, हमने एक अल्टरनेटिंग सोर्स माना जिसको हमने कनेक्ट किया है एक प्योर रेजिस्टेंस, ये हमने R रेजिस्टेंस मान लिया. ठीक है, ये क्या है हमारा सोर्स ऑफ अल्टरनेटिंग EMF. ठीक है, हमने इसको एक रेजिस्टेंस से कनेक्ट कर दिया. ठीक है, एंड हमने क्या माना, जो हमारे पास इंस्टेंटेनियस EMF है, तो जो हमारे पास अल्टरनेटिंग जो EMF होगा वो कितना हो जाएगा, E इज इक्वल टू E0 sin ωt. इस बात का हमें ऑलरेडी पता है, बिकॉज हम ये सब चीज़ें ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ये हमारे लिए बहुत ईजी है. अब हमने माना कि लेट I द करंट इन द सर्किट इज फ्लोइंग. ठीक है, हमने माना कि इस सर्किट में से I करंट फ्लो रहा है. क्लियर, और जो जब I करंट फ्लो होगा किसी टाइम के रिस्पेक्ट में, तो वहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस तो R के अलोंग क्या हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हो जाएगा, विच इज IR. ठीक है, इसके जब इसमें से I करंट पास होगा, ठीक है, इसमें से जब I करंट पास होगा तो इसके अलोंग क्या हो जाएगा, एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा इस रेजिस्टेंस के अलोंग. ठीक है, सो दिस मस्ट बी इक्वल टू EMF, और जो जितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा यहाँ पे वो किसके इक्वल हो जाएगा, इस EMF के इक्वल हो जाएगा. ठीक है, ओके, तो आप यहाँ से जो हमारे करंट की वैल्यू होगी, करंट क्या होता है, I इज इक्वल टू I0 sin ωt. ये हमारा क्या होता है, इंस्टेंटेनियस करंट होता है. ठीक है, ये सब चीज़ें आप पढ़ चुके हो बेटा बहुत ईजिली. तो अब हमें क्या करना है, हमें बेसिकली क्या करना है कि हमें इस बिहेवियर का, मतलब R का बिहेवियर चेक करना है. ठीक है, मतलब कि हमें बेसिकली क्या करना है, हमें जब हम इस रेजिस्टेंस पे जब AC करंट अप्लाई करें तब कौन सा कंसेप्ट लागू होता है, ये वाला V = IR. ठीक है, और जब हम इस पे DC अप्लाई करें तो ये वाला होता है, और जब AC अप्लाई करेंगे तो कौन सा कंसेप्ट होता है, जब AC अप्लाई करते हैं तो हमारा ये आ जाता है I = E0 by R. ठीक है, बिकॉज आप इसको ऐसे भी तो लिख सकते हो I = E0 by R sin ωt, ये भी तो लिख सकते हो, है ना, कोई बड़ा इशू नहीं है. और ये किसके इक्वल है, I0 के इक्वल है. तो आप देख रहे हो कि जब हम इस पर DC अप्लाई करें चाहे AC अप्लाई करें, दोनों में हमारा क्या हो रहा है, सेम कंसेप्ट फॉलो हो रहा है. तो बिहेवियर ऑफ R इन DC एंड AC, DC में भी और AC में जो बिहेवियर है वो सेम है. क्लियर, और तो हम R को रिड्यूस कर सकते हैं इक्वली AC में भी और DC में भी. तो हमारे पास दो इक्वेशंस हैं. अब देखिए हमें क्या करना है, हमें इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करना है और चेक करना है क्या इनका जो फेजर डायग्राम है वो सेम है या नहीं है. तो बेसिकली हमने क्या किया, देखिए हमने I लिया, I = I0 sin ωt. ठीक है, I0 की जगह हम E0 by R पुट कर सकते हैं, तो हमने पुट किया sin ωt. I0 यहाँ से क्या हो जाएगा आपका E0 by R, और इसी को हम I0 भी बोल सकते हैं. तो आपने यहाँ से देखिए इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करना है. तो हमने यहाँ से दोनों को कंपेयर किया और हमने यहाँ से क्या देखा, देखिए जब दोनों को कंपेयर कर रहे हैं V और I को, तो ये E और ये I, ये E0 I0, मैक्सिमम यानी कि पीक EMF पीक करंट, sin ωt ωt, तो इन दोनों के बीच में जो फेज चेंज है वो क्या है, 0. तो हम क्या करेंगे, इन दोनों का फेज चेक करेंगे कि AC सर्किट में जिसमें सिर्फ R हो तो वहाँ पे वोल्टेज और करंट में क्या रिलेशनशिप होता है.
ठीक है। फेजर जो हमारा डायग्राम है बेसिकली, फेजर जो हम रिलेशनशिप शो करते हैं, तो फेजर क्या करता है, वी एंड आई के बीच में रिलेशनशिप शो करता है। क्या करता है, ये रिलेशनशिप शो करता है। तो यहाँ से आपने चेक कर लिया कि जब हम रेजिस्टेंस की बात करते हैं तो दोनों हमारे क्या हैं, दोनों सेम उसमें हैं, फेज में हैं। ठीक है, दोनों किस में हैं, सेम फेज में हैं। बिकॉज आपको पता है ई नोट साइन ओमेगा टी होता है, ठीक है, और आई आई नोट साइन ओमेगा टी होता है। तो हमने आई नोट आई नोट बाई आर पुट करा, तो यहाँ से ये वाली इक्वेशन निकल के आई इसी से। ठीक है, तो दोनों सेम फेज में आ गए। तो अब हम बात करते हैं फेजर डायग्राम की, ठीक है, क्लियर। तो चलिए फेजर क्या होता है, फेजर डायग्राम की बात करते हैं। देखो जी, आपका अब हम बनाएंगे, हर एक केस में बनाएंगे। तो सबसे पहले देखिए, हम फेजर सीखेंगे कि फेजर क्या होता है। तो फेज देख लेते हैं पहले, फेज क्या होता है, इसको आप अच्छे से समझ जाओगे, क्लियर। तो फेज क्या, इट इज डिफाइन, क्लियर, आप इसको ऐसे बोल सकते हो, इट इज ए डेफिनेशन ऑफ पोजिशन ऑफ ए पॉइंट, मतलब किसी की पोजीशन को शो करने के लिए हम यूज करते हैं, पोजीशन ऑफ ए पॉइंट इन टाइम इन एनी इंस्टेंट टाइम, मतलब किसी भी टाइम पे, ठीक है, ऑन ए वेव फॉर्म साइकिल, क्लियर। और जो हमारा फेजर है ये क्या करता है, इट शो रिलेशन सिप बिटवीन वी एंड आई, क्लियर। ये क्या करता है, इन दोनों के बीच में, वी आई और यू कैन से ई आई, वो आपकी अपनी मर्जी, आप जो लेना चाहो, इससे कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ने वाला। तो ये क्या करता है, इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप शो करता है, ठीक है। तो एनालिसिस ऑफ एसी सर्किट इज़ फैसिलिटेटेड बाय द यूज ऑफ फेजर डायग्राम, ठीक है। तो फेजर डायग्राम का यूज़ करके हम किसी भी एसी सर्किट को, और यू कैन से कि जो हमारे फेजर डायग्राम है, जो हम फेजर डायग्राम बनाएंगे उनका हम यूज़ क्यों करते हैं, टू एनालाइज एसी सर्किट, ठीक है, टू एनालाइज एसी सर्किट। किसी भी एसी सर्किट को एनालाइज करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, फेजर डायग्राम का यूज करते हैं। तो फेजर क्या है बेसिकली, तो फेजर की जो डेफिनेशन है वो क्या कहती है, फेजर की डेफिनेशन कहती है, इट इज़ ए वैक्टर विच रोटेट, इट इज़ ए वैक्टर विच रोटेट अबाउट ओरिजन विद एंगुलर वेलोसिटी दैट इज ओमेगा, ठीक है। तो ये क्या है, एक वैक्टर है जो रोटेट करता है अपने ओरिजिन के अलोंग एक एंगुलर वेलोसिटी के साथ, ठीक है, ओके। तो चलिए इसको बनाना सीखते हैं, ओके। हाँ जी, एक बात और, जो हमारा फेजर डिफरेंस है, मैं आपको अमेंडमेंट डेफिनेशन पहले ही बता देती हूँ ताकि आपको आगे कोई प्रॉब्लम ना आए। फेजर डिफरेंस क्या होता है, तो फेजर डिफरेंस, ठीक है, सो फेजर डिफरेंस बिटवीन टू अल्टरनेटिंग क्वांटिटीज, क्योंकि आपको ये फेजर डायग्राम, अब जितने भी मैंने सावन आपको सर्किट्स बोले सब में बनाने हैं बेटा, और अगर आपको सब में ये बनाने पड़ेंगे तो पहले आपको उनका कंसेप्ट तो क्लियर होना चाहिए ना, कि ये क्या होता है, इनको कैसे बनाएं, ठीक है। तो फेजर जो डिफरेंस है बिटवीन एनी टू अल्टरनेटिंग क्वांटिटीज इज शोन बाय, इनको कैसे शो करेंगे, द एंगल बिटवीन ई नोट एंड आई नोट, ठीक है, ई नोट और आई नोट के बीच में जो, मतलब ये एवरेज वैल्यू के लिए होता है, पीक वैल्यू के लिए होता है हमारा, ठीक है। तो इनके बीच में जो एंगल डिफरेंस आएगा वही हमारा क्या होगा, फेज डिफरेंस होगा, ठीक है, ओके। चलिए तो अब इसको हम करके देखते हैं बेटा। देखिए जो हमारा ये मैंने इस यहाँ पे मैंने बनाए रखा है, ये देखिए, ये एक बात और नोटिस करिएगा, हमारा जो आई वाली लाइन है ना बेटा, देखिए ये हमने एक डायग्राम के लिए मतलब साइन वेव ली है आई और ई के लिए। देखिए यहाँ पे हमारा जो ई है वो क्या है, ई नोट साइन ओमेगा टी, और आई क्या है, आई नोट साइन ओमेगा। देखिए यहाँ पे ई है, यहाँ पे आई है, यहाँ पे ई नोट है, यहाँ पे आई नोट, तो कोई दिक्कत नहीं, सेम चल रहा है, साइन साइन दोनों की साइन वेव बनेगी, ओमेगा टी फ्रिक्वेंसी, एंगुलर फ्रिक्वेंसी अलग अलग होती रहेगी इसमें, देखिए सेम है। और जो फेज है ना वो देखिए दोनों के बीच में
फेज डिफरेंस जीरो, क्योंकि देखो ये भी जीरो से स्टार्ट हो रहा है, यानी कि दोनों यहाँ से शुरू हो रहे हैं, आई बी और वी बी। अब एक क्वेश्चन यहाँ से ये बन जाता है कि हमने आई वाली लाइन को नीचे क्यों लिया और ई वाली लाइन को ऊपर क्यों लिया, तो हमें क्या करना है, आई वाली लाइन को हमेशा नीचे ही लेना है। इसका रीज़न क्या है, क्योंकि देखिए बेटा जो हमारा आई होता है ना वो क्या होता है, ई बाय आर होता है, यानी कि जो आई की वैल्यू है वो देखिए ई बड़ा है, क्योंकि ई क्या है, आई इंटू आर, ठीक है, यानी कि ई जो आएगा वो आर से मल्टीप्लाई होके आएगा, समझ रहे हो, तो ये एक बड़ी क्वांटिटी है, इसलिए ई को हमने ऊपर लेना है। और आई क्या है, किसी ना किसी से डिवाइड होके फिर निकलेगा, कोई भी रेजिस्टेंस हो सकता है किसी भी वैल्यू का, ठीक है, तो अगर आप किसी को किसी से डिवाइड करते हो तो वो वैल्यू तो छोटी हो जाती है, और किसी को किसी से मल्टीप्लाई करो तो वो वैल्यू बड़ी हो जाती है, ठीक है। तो वैल्यूज डिफरेंस होने की वजह से हमें आई को नीचे लेना है और ई वाले को ऊपर लेना है। तो देखिए दोनों में फेज डिफरेंस जीरो, इसका मतलब दोनों एक टाइम पे जीरो होंगे, एक टाइम पे दोनों मैक्सिमम होंगे, एक टाइम पे फिर से जीरो हो जाएंगे, एक टाइम पे फिर से दोनों नेगेटिव मैक्सिमम हो जाएंगे, और एक टाइम पे दोनों फिर से जीरो हो जाएंगे, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है आई और आई का भी, ठीक है। तो ये आपको इसका क्या बना दिया हमने, इसका ये हमने इसका बना दिया वेव डायग्राम, ठीक है, साइन वेव डायग्राम बना दिया, क्लियर। अब आप देखिए जो पीक वैल्यू होती है, तो ये देखिए ये पीक वैल्यू है करंट की, तो इस पीक वैल्यू को आई नोट बोलेंगे, और जो ये वाली पीक वैल्यू है ये किसकी है, ये आपकी इसकी है ईएमएफ की, ठीक है। तो ये जो इसकी पीक वैल्यू को है ना हम किससे दिखाएंगे, एरो से, क्लियर। जो पीक वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट है एंड अल्टरनेटिंग ईएमएफ है, इज रिप्रेजेंटेड बाय एरो, ठीक है। जो हम पीक वैल्यू अभी जो फेजर डायग्राम बनाएंगे, चलिए मैं आपको यही बता देती हूँ साथ साथ कि जो फेजर डायग्राम होगा हमारा, जो फेजर डायग्राम होगा उसमें जो हमारी पीक वैल्यू होंगी दैट इज ई नोट एंड आई नोट, इनको हम कैसे शो करेंगे, इनको हम एरो से शो करेंगे। ये आपको छोटे छोटे पॉइंट ध्यान रखने हैं बेटा, जो भी पीक वैल्यूज होंगे उनको हम किससे शो करेंगे, एरो से शो करेंगे। और इन एरो को हम क्या बोलते हैं, फेजर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, फेजर बोलते हैं, ठीक है। इन एरो को हम क्या बोलते हैं, फेजर बोलते हैं। अभी जब हम बनाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। और जो उसकी लेंथ है, ठीक है, द लेंथ ऑफ द एरो रिप्रेजेंट द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ क्वान्टिटी, ठीक है। और जो उसकी लेंथ है, देखिए आप इसको ऐसे समझिए, मान लो ये मैंने जीरो से स्टार्ट करा, तो ये जो लेंथ है ना ये यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये लेंथ की देखो, ये जो एरो है ये तो ई नोट या आई नोट को शो करेगा एरो, तो ठीक, सिंपल जो वेक्टर क्वांटिटी होती थी इसमें ये हमारी डायरेक्शन को शो करता था, लेकिन जो यहाँ पे फेजर है, अभी एक फेजर है, इस एरो को, इस कंप्लीट को हम क्या बोलेंगे, फेजर बोलेंगे, ना कि एक वेक्टर, फेजर हो गया। अब इस फेजर का जो एरो है ना वो तो शो करेगा ई नोट को या आई नोट को, और जो इसका ये मैग्नीट्यूड है, जो इसका मैग्नीट्यूड है, ये मैग्नीट्यूड किसको शो करेगा, द लेंथ ऑफ द एरो रिप्रेजेंट मैक्सिमम वैल्यू ऑफ क्वांटिटी, ठीक है। ये किसको शो करेगा, लेंथ ऑफ मैक्सिमम वैल्यू ऑफ क्वांटिटी, यानी कि आप ये कह सकते हो कि ये इनकी पीक वैल्यू को शो करेगा, ठीक है, उसकी लेंथ को, कितना कितना वो है, कितना हाई, जैसे कि आप इसको ऐसे समझो, मान लो ये है हमारा, तो ये जो एम्पलीट्यूड है ना, इस एम्पलीट्यूड को हम ऐसे इससे शो करेंगे एम्पलीट्यूड को, और जो ये यहाँ पे जो पॉइंट आएगा ना इसको हम इस एरो से शो करेंगे, समझ गए, आपको बात क्लियर हो गई या नहीं हुई है, ठीक है। इस जो ये हमारा मैग्नीट्यूड, आपको पता है कि ऐसे और इसको जोड़ने से ही तो पूरा वो बनता है, तो ये क्या हो गया मैग्नीट्यूड, तो इसको हम आई नोट ई नोट से रिप्रेजेंट करेंगे, और ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी जिसको हम एम्पलीट्यूड से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है बेटा। चलिए एक एग्जाम्पल लेके समझते हैं ताकि आपको ये बात क्लियर हो जाए। हाँ जी, तो देखिए सपोज करो मेरे पास ये कोई डायग्राम है, ये कोई वेव है, ठीक है, तो ये यहाँ से स्टार्ट हो रही है। अगर मैं इस वेव की इस एंगल में बात करूँ तो ये एक सर्कल भी तो है, इसी सर्कल को तो रिप्रेजेंट कर रही है ये वेव, है ना। देखिए यहाँ पे अगर हम इसकी बात करें तो ये देखिए यहाँ पे पाई बाई टू, यानी कि 90, 0, 90, 180, 270 और 360, बात तो वही है, देखिए 0, 90, 180, 270, 360, ठीक है। अच्छा एक बात और ध्यान रखिएगा आप, अगर अगर हमारा पॉजिटिव साइड हम जा रहे हैं, ठीक है, अगर एंगल पॉजिटिव में है तो हमें लेना है एंटी क्लॉकवाइज, अगर नेगेटिव है तो हमें लेना है क्लॉकवाइज, ये आपको अभी समझ आ जाएगा, ठीक है। चलिए तो अब अगर मान लो आपको यहाँ पे इसका ये फेजर डायग्राम, इसको हम ऐसे शो करेंगे, ठीक है, फोर क्वाड्रेंट्स लेके,
ये फोर क्वाड्रेंट्स में, ये तो हमने साइन वेव बना दिया, फेजर डायग्राम बनाएंगे इस तरह। तो अगर मैं आपको बोलूँ कि इसका फेजर डायग्राम बनाओ, तो देखिए ये जो लाइन है, ठीक है, ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट है और ये मैक्सिमम कहाँ तक गया है, यहाँ से मैच करिए यहाँ तक, ठीक है। तो ये इसका क्या हो गया, वीक पॉइंट हो गया। मान लो मैं इसको वी मानती हूँ, तो वी नोट हो गया, और ये किसकी लाइन होगी, वी की लाइन होगी, है ना। अब हमने सिंपल एक के लिए समझाया। अब मान लो मैं एक एग्जांपल ले लेती हूँ, मैंने आपको बोला मेरे पास एक क्वेश्चन है, वी इज इक्वल टू मान लो दे रखा है, या ई ले लो कोई दिक्कत नहीं है, वी ओ ई जो भी आपका मन करे, ए इज इक्वल टू ई नोट साइन ओमेगा टी प्लस, सपोज करो हमने ले लिया 45 डिग्री, ठीक है, और आई हो गया आई नोट साइन ओमेगा टी माइनस 45 डिग्री, ठीक है। हमने एग्जांपल ले लिया और हमने कहा कि इनका फेजर डायग्राम बनाइए, चलिए इसका फेजर डायग्राम बनाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, एक इनिशियल पॉइंट ले लेना है, ये जीरो पॉइंट, ये हो गया ना जीरो वाली लाइन, ये देखिए जीरो वाली लाइन ले ली हमने, ये तो बाद में बनाएंगे ये वाली चीज़ें, तो ठीक है। तो देखिए ई, पहले ई की बात करते हैं, ओके। अब देखिए यहाँ पे पहले आप पॉजिटिव नेगेटिव देख लीजिए, जो आपका हम ये क्वाड्रेंट बनाते हैं, तो ये पॉजिटिव नेगेटिव आपको पता ही होगा, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, ये देखिए जो ये वाली लाइन होती है पॉजिटिव की होती है, ठीक है, ये पॉजिटिव की होती है, ये नेगेटिव की, और ये भी नेगेटिव की लाइन होती है, ठीक है। तो पॉजिटिव में हमें एंटी क्लॉकवाइज इधर जाना है, नेगेटिव में इधर जाना है। चलिए अब देखिए ई इज इक्वल टू ई, देखिए ई यहाँ पे आई है, ठीक है, सेम है, ठीक है, ई नोट यहाँ पे आई नोट है, ठीक है, साइन है तो यहाँ पे भी साइन, ओमेगा टी है तो यहाँ पे भी, लेकिन यहाँ पे गैप आ गया, क्या फेज चेंज हो गया, देखिए इसका है प्लस 45, यानी कि आगे जा रहा है 45 और ये माइनस 45। स्टार्टिंग में हमने माना ये किसको रिप्रेजेंट करिए, लाइन ई को भी और आई को भी। अब कह रहा है कि जो ई है ना वो प्लस 45 है, प्लस 45 का मतलब ये ई इधर है, है ना, ये ई है, ठीक है, प्लस 45 है ना, तो प्लस का आगे, तो मैंने क्या कहा था ऊपर एंटी क्लॉक, यानी कि इधर घुमा दो ऐसे ऐसे जाएगा, है ना। और ये क्या है, ये आई आई वाला जो है, ठीक है, वो क्या है, पीछे है ना, तो पीछे को तो हम ऐसे दिखाएंगे इधर नेगेटिव वाले क्वाड्रेंट में, तो ये क्या हो गया हमारा आई नोट, ये हमारा ई नोट, ठीक है, ये भी कितना है 45। तो जो टोटल एंगल बनाना, टोटल कितना बना, थीटा 90 डिग्री, जो टोटल दोनों के बीच में डिफरेंस है ना, दोनों ई नोट और आई नोट के बीच का जो डिफरेंस है, वही हमारा क्या है, फेज डिफरेंस है, समझ गए, वही हमारा क्या है, फेज डिफरेंस है, समझ गए आप, समझ में आया। तो चलिए अब हम रेजिस्टेंस वाले की बात करते हैं, जब हमारा अकेला रेजिस्टेंस वाला है तो इसका फेजर डायग्राम बनाते हैं। तो इसमें हमारी कंडीशन आई है आई इज इक्वल टू आई नोट साइन ओमेगा प्लस जीरो, कोई एंगल ही नहीं है, इसका क्या आया है ई इज इक्वल टू ई नोट साइन ओमेगा टी प्लस जीरो, कोई एंगल ही नहीं आया, कोई फेज डिफरेंस ही नहीं है। तो हम क्या करते हैं, अपना क्वाड्रेंट ले लेते हैं, ठीक है, तो इसका जो हम फेजर डायग्राम बनाएंगे, ठीक है। अच्छा एक बात आपको ध्यान रखना है कि जो आई है वो लेस देन होता है ई, ये आपको ध्यान रखना है पॉइंट, तो इसका मतलब आई का पॉइंट कहीं ना कहीं कम रहेगा। तो अब इसको हम क्वाड्रेंट बना लेते हैं, ये हमारे क्वाड्रेंट हो गए, ठीक है। तो हमने इसका जो गैप है वो जीरो डिग्री एंगल का है, इसका मतलब हम क्या बात कर सकते हैं, सिर्फ ओमेगा टी का चेंज आ रहा है ना दोनों के अंदर, ठीक है। तो ये हमने मान लिया, ठीक है, ई क्या, ई के लिए, और एंगल ओमेगा टी प्लस में जीरो होता है, एक्स्ट्रा तो कुछ लेना ही नहीं है ना, ठीक है। तो देखिए ई नोट की वैल्यू हमने ये मान, बिकॉज हमने बोला था कि ये पोजीशन शो करेगा, ये इसका ओरिजिन है, तो ये ई नोट का मैग्नीट्यूड ये मान लिया, ठीक है, ई नोट का। तो इसका मतलब आई इससे थोड़ा सा कम होगा, आई इससे थोड़ा सा कम होगा, यानी कि ये जो लाइन होगी ये हमारी किसके लाइन हो गई, ये हमारा जो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड हो गया वो किसका हो गया, ई का हो गया ना, ई इज इक्वल टू ई नोट साइन ओमेगा टी। तो करंट थोड़ा सा कम होगा, तो ये किसका मैग्नीट्यूड आ गया, इतना ये करंट के लिए आ गया आई नोट के लिए, और जो ये बड़े वाला ये किसके लिए आ गया, ये मतलब थोड़ा सा वैल्यूज में फ़र्क है, वरना दोनों का फेस सेम है। देखिए दोनों एक टाइम पे चलेंगे इकट्ठे, दोनों एक टाइम पे यहाँ हैं, दोनों एक टाइम पे यहाँ होंगे, दोनों एक टाइम पे यहाँ होंगे, दोनों मतलब इकट्ठे इकट्ठे चलेंगे, आगे पीछे कोई गैप नहीं आएगा। तो इस तरीके से आप इसको शो कर सकते हो। तो देखिए जो करंट की वैल्यू जाएगी वो कहाँ तक जाएगी, देखिए आप चेक कीजिए, ये हमारे करंट की, ये किसको शो करेगा, ई आई आई नोट साइन ओमेगा, ये ई इज इक्वल टू ई नोट साइन ओमेगा टी। तो देखिए ये हमारा मैक्सिमम है ये, लेकिन दोनों एक ही लाइन पे हैं, दोनों एक ही फेज में, ठीक है, समझ गए आप,
ओके अब जैसे इसका एक और एग्जांपल ट्राई करते हैं ताकि आपको और अच्छे से क्लियरेंस हो जाए। मान लो मैंने, ये तो हमारा टॉपिक हो गया जो हम कर रहे थे, मैं वैसे आपको एक क्वेश्चन बताती हूँ, ठीक है। सपोज करो मेरे पास दे रखा आई इज इक्वल टू आई नोट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू दे दिया, ठीक है, और ई दे दिया ई नोट साइन ओमेगा टी, बस इतना ही दे दिया, ठीक है। तो हमें क्या करना है, सिंपली जीरो वाली लाइन लेनी है, ठीक है। ये देखिए हमने जीरो वाली लाइन ली, ठीक है। अब देखिए ये हमारा माइनस पाई बाई टू है, और माइनस पाई बाई टू के लिए मैंने आपको बताया था कि अगर नेगेटिव हो तो हमें क्लॉकवाइज चलना है, यानी कि हमें इधर चलना है, ठीक है। तो जो आई वाली लाइन है ना, आई वाली लाइन है वो क्या है, पीछे है पाई बाई टू। तो यहाँ पे तो हमारा एंगल कितना बनता है 45 का, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो टोटल है ये हमारा किसको रिप्रेजेंट करेगा, आई नोट को, क्योंकि इससे आगे तो ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, हमारा ई को, क्योंकि इसमें तो कोई फेज चेंज ही नहीं है। तो देखिए दोनों के बीच में कितने का गैप आ गया, 90 का। ये माइनस पाई बाई टू है, इसका मतलब हमारा करंट 90 डिग्री पीछे चल रहा है और ये इससे आगे चल रहा है। अगर इसको आप ग्राफिकली शो करोगे तो ये देखिए, मान लीजिए ई की लाइन है तो ये 90 डिग्री पीछे हो तो 90 यहाँ का ही बनेगा, तो ये देखिए ऐसे, यानी कि जिस टाइम पे ये यहाँ था उस टाइम पे ये आई माइनस पाई बाई टू में था। समझ में आ रहा है आपको, ठीक है। तो चलिए एक न्यूमेरिकल करते हैं जो हमारा अभी हमने करा है इसी टॉपिक पे बेस्ड। अब न्यूमेरिकल क्या है, सो स्टूडेंट्स ये हमारे पास एक क्वेश्चन है, इज रेजिस्टेंस ऑफ 20 ओम इज कनेक्टेड टू एन एसी सोर्स ऑफ 220 वोल्ट एंड 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी। देखिए आई थिंक आपको फेजर डायग्राम वाला कंसेप्ट क्लियर हो गया, अब आगे जो हम पार्ट्स करेंगे उनमें आपको अच्छे से फेजर डायग्राम समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन में हमें आर दे रखा है, कितना दे रखा है 20 ओम, ठीक है, ओके। जो फ्रीक्वेंसी दे रखी है वो कितनी दे रखी है, 50 हर्ज, हमारे इंडिया के स्टैंडर्ड में यही फ्रीक्वेंसी, इसको याद रखो। और आपको पता है मैंने आपको पिछले वाले पार्ट में बताया था कि जो वोल्टेज आपको गिवन होती है ना, बेसिकली वो क्या होती है, बेसिकली वो हमारी आरएमएस वैल्यू होती है, और वो कितनी दे रखी है 220 वोल्ट, ठीक है। तो आपको पता है आईआरएमएस अगर हम निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा, ईआरएमएस ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग अपॉन में आर, तो 220 अपॉन 20 कितना आ जाएगा, 11, ठीक है। तो 11 ही हमारे पास क्या आ गया, एम्पियर करंट आ गया, क्लियर। अब आपको पता है कि जो आई आर एम एस होता है वो किसके इक्वल होता है, आई नोट अपॉन रूट टी के, ये फॉर्मूलेज हम ऑलरेडी कर चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, आई नोट यानी कि पीक वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, आई आर एम एस, जिसको हम आई वी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इंटू रूट टू। तो ये हो जाएगा अपना 11 इंटू 1.414, इनके हम मल्टीप्लाई करेंगे, सो आफ्टर मल्टीप्लाइंग वी आर गेटिंग 15.554, ठीक है, एम्पियर। ये हमारे पास क्या आ गया, रूट मीन स्क्वायर करंट आ गया, ठीक है, क्या आ गया हमारे पास, रूट मीन स्क्वायर करंट आ गया, ओके, ठीक है। तो देखिए इसकी हम मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे, और हमें इनसे इन्होंने हमसे पूछा क्या था कि हमारे जो हमारा ये करंट आया है ये क्या आया है, रूट मीन स्क्वायर करंट, क्लियर, ठीक है। तो देखिए बेटा यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि जो हमारा मैक्सिमम करंट आया है, ठीक है, तो आफ्टर मल्टीप्लाइंग दिस इज वी कौन सो से दैट कि ये हमारा जो आ गया ये रूट मीन स्क्वायर, इसी को हम क्या कहते हैं, इंस्टेंटेनियस करंट कहते हैं। तो इस तरीके से देखिए ये हमारा क्वेश्चन सोल्व हो गया। तो आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हुआ होगा। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे।